परमानालुक्ता मणिमय वस श्यामला कमलांगीं कुकमणिमेखलास नुपुर व्यंजस्तनीभूषिता मनमथरमतिमर्दिनी स्वयभुज सिंहासने शुना भयवर्धि सुबिदा विज्ञान मोक्षपदा साधूना सुखदाय मम ज्ञान विध्वंसनीं विद्यां विचार सार दिशां विघ्नों के संचेदिनिं बंदे तां पर ब्रह्म सद्मरम्निं स्यामा सिराज प्रियां बंदे तां पर ब्रह्म सद्मरम्निं स्यामा प्रियां मोमीन बड़े आकल कहे आखिर जमाने के इनकी समझ ले सी सबे आसमान जिमी के जे आसमान जिमी के जे बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय परमादरणीय आत्म संबंधी सुन्दरसा जी धर्म प्रेमी सज्जनों ये जागनी यात्रा चल रहा है और श्री कुलजम स्वरूप अक्षरातीत की जो अखंड वाणी है इस वाणी में चौपाई आई हुई है मोमिन बड़े आकल कहे आखिर जमाने के ये जो संसार है मायावी दुनिया जिसको कहते हैं मोह अज्ञान भर्मना कर्म काल और शून्य ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण अर्थात इसको इस तरह से समझें कि ये जो अभी मैं बताया ये उपाय है वाणी की और इसका मतलब ये हुआ कि माया के पर्यायवाची नाम हैं जिसमें से हम भ्रम को ले लेते हैं मोह को भी माया कहते हैं भ्रम को माया कहते हैं अज्ञान को माया कहते हैं लोभ लालच को माया कहते हैं तो हम भ्रम को ले लेते हैं भ्रम किसे कहते हैं कि जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ा हुआ है और हम सांप समझ रहे हैं सांप नाम का कोई चीज होता तो है लेकिन पता नहीं कहाँ है जिसको हम समझ रहे हैं वह सांप नहीं है इसी को भ्रम कहते हैं इसी तरह से दुनिया के सारे मनीषीगण सारे विद्वान पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार प्राणी मात्र मनुष्य की ही बात नहीं देवी देवता हुए भूत प्रेत हुए जिन्नाद इत्यादि जो भी हैं पशु पक्षी हैं कीट पतंग हैं सब समस्त प्राणी चाहते क्या हैं सबका लक्ष्य एक है मात्र वो कौन सा लक्ष्य है सुख की प्राप्ति कोई दुख चाहता है क्या कोई भी कार्य कोई भी करता है तो उद्देश्य सुख की प्राप्ति का होता है दुख कोई चाहता नहीं है वसरते गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जो जस कर ही सुत फल चाखा ये संसार जो है कर्म के अनुसार चल रहा है जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल की प्राप्ति होती है उद्देश्य हमारा कोई भी हो उद्देश्य प्राप्त कब होगा जब उसके अनुसार कर्म होगा उसके अनुकूल कर्म होगा उसके विपरीत कर्म होगा तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता हम सबका समस्त प्राणियों का उद्देश्य क्या है सुख की प्राप्ति अनंत सुख अखंड सुख शाश्वत सुख हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाना लेकिन समझ हमारा क्या है कि संसार की वस्तुओं को प्राप्त कर लेंगे रुपए पैसों को प्राप्त कर लेंगे तो हम सुख प्राप्त कर लेंगे और संसार को मैंने क्या बतलाया अभी वाणी के अनुसार ग्रंथों के अनुसार मनीषों के अनुसार ये संसार क्या है माया अर्थात भ्रम ही है तो भ्रम के कारण अज्ञानता के कारण असत्य को हम सत्य समझते हैं मानते हैं तो हमारे मानने से असत्य सत्य नहीं हो जाएगा जैसे कुछ लोगों का कथन है मानो तो देव नहीं तो पत्थर मान लो तो देवता हो जाएगा नहीं तो पत्थर है भाई अगर मानने से देवता हो जाए तो गोबर को मिठाई मानकर खा लें कोई समस्या गोबर मिठाई हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए शास्त्र ऐसा नहीं कहते ये लोगों का कथन है ना समझों का कथन है शास्त्र कहते हैं यथार्थ को जानो जो जैसा है उसको वैसा ही जानो वैसा ही मानो और पूरा का पूरा लाभ प्राप्त करो तो हमें सुख चाहिए शांति चाहिए आनंद चाहिए हमेशा हमेशा के लिए चाहिए क्योंकि हम अखंड हैं हम हैं कौन हम शरीर नहीं हैं समझने वाली बात है कि मैं शरीर नहीं हूं मैं पांचों तत्व नहीं हूं मैं गुण इंद्री नहीं हूं मैं हूं कौन शुद्ध बुद्ध हूं चेतन हूं आत्मा हूं शाश्वत हूं सत्य हूं परम सत्य हमारा मालिक परमात्मा है इसलिए हमें परमात्मा को जानना आवश्यक है नहीं तो क्या जरूरत है परमात्मा को जानने की हमारा मालिक परमात्मा है परमात्मा है जो कर्म बंधनों में नहीं पड़ता सब कुछ जानता है सर्वज्ञ है सर्वव्यापक है सर्वशक्तिमान है जो परम आनंद का स्वरूप है ज्ञानमय स्वरूप है आनंदमय स्वरूप है जिसको किसी काल में भ्रम नहीं पैदा होता वो किसी भी काल में भ्रमित नहीं होता और उसी के दिव्य आनंद की, की विशेषता को उसी के दिव्य प्रेम की, की विशेषता को जानने के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं प्रयासरत हैं उसी की कृपा से तो वो परमात्मा हमारा अपना मालिक है जिस तरह से इस संसार में स्त्री है कोई भी स्त्री है उसका जो पति है अपने पति को ना जाने तो पति का सुख कभी प्राप्त कर सकती है क्या पति का घर ही उसका अपना घर है या कोई अलग से उसका घर होगा पति की सारी दौलत के अधिकारी वो है उसका अपना है यानी कि पति का है जैसे एक बच्चा है तो बच्चा किसका पत्नी से पूछा जाएगा तो क्या कहेगी पति का है अपने पति का नाम लेगी कही अपना ही है पति भी अपना ही है उसमें आधा आधा की तो बात है नहीं कि आधा पति का आधा हमारा पूरा का पूरा वो बच्चा पत्नी का पूरा का पूरा पति का इसी प्रकार से हम आत्माएं है हैं क्या परमात्मा की शक्ति स्वरूपा है आनंद स्वरूपा है जैसे सूरज क्या है सूरज की किरणें क्या है सूरज ही किरणों के रूप में क्रीड़ा कर रहा है सागर ही लहरों के रूप में आनंदित हो रहा है इसी तरह से हम आत्माएं अपने प्रीतम परमात्मा के आनंद स्वरूपा हैं शक्ति स्वरूपा है और अपने मालिक को यदि नहीं जानेंगे जैसे अभी नहीं नहीं रहा बताया कोई पत्नी अपने पति को ही ना जाने तो पति का सुख प्राप्त नहीं कर सकती भ्रम बस संसारिक सुखों को अपना सुख मान लिए हैं तो संसारिक सुखों को अपना सुख मान लेने से अपना सुख हो जाएगा नहीं इसलिए हमें परमात्मा को जानना आवश्यक है क्योंकि हमारा अपना मालिक है और कैसा मालिक है संसार के मालिकों जैसा नहीं है सर्वशक्तिमान है सर्वशक्तिमान संपूर्ण है किसी प्रकार का उसके अंदर कोई कमी नाम का चीज नहीं है वो है प्राणनाथ हमारा हमारा प्राण प्रीतम है ऐसे प्राण प्रीतम को जाने बिना कोई भी जीव कोई भी आत्मा कोई भी व्यक्ति शक्ति दिव्यानंद परमानंद अखंड आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए जानना आवश्यक है इस भारत भूमि में अनेकों संप्रदाय हैं मजहब हैं धर्म तो सबका एक है धर्म अलग नहीं होता शाश्वत धर्म एक ही है जिसे सनातन कहते हैं परमात्मा ही सनातन है और वही सबको धारण किया हुआ है सबको धारण करने के लायक परमात्मा ही है दूसरा कोई नथान है न होगा किंतु भ्रम के कारण अलग अलग रास्ते बना लिए हैं अलग अलग धर्म समझ लिए हैं अलग अलग परमात्मा बना लिए हैं तो हमारे परमा बनाने से कोई परमात्मा हो जाएगा नहीं अगर सूरज को हम अलग से एक दीपक जला देंगे कहीं हमारा सूरज है तो क्या वो सूरज हो जाएगा सूरज जो है वही है वही रहेगा हाँ हमें जानना होगा कि सूरज कौन है इसी तरह से जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसको हमें जानना है और उसको जान करके उसका ध्यान चिंतन करना है ध्यान चिंतन करने की क्या आवश्यकता है इसलिए आवश्यकता है ये आवश्यकता है कि जिस चीज का हम चिंतन करते हैं बार बार उसका ध्यान करते हैं बार बार उसको देखते हैं हमारा प्रेम बढ़ता है उसके प्रति लगाव होता है और उसका गुण स्वभाव हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आने लगता है हम कहते हैं ना पिया जी तुम हो तैसी की मैं अर्ज करूँ मेरे पीओ जी कहते हैं ना ये केवल कहते हैं एक थ्योरी होता, होता है एक प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल में कहने की जरूरत नहीं है शब्दों की बात नहीं है शब्दों का विचार करें उसका ध्यान करें चिंतन करें उसमें डूबने की कोशिश करें तो उनका गुण स्वभाव हमारे अंदर आने लगेगा अपने जैसे वो बना लेंगे उस दिव्या आनंद की प्राप्ति हमें हो जाएगी अखंड सुख की प्राप्ति हो जाएगी और जब तक उन प्रीतम को नहीं जानेंगे तब तक अखंड सुख प्राप्त हो सकेगा नहीं इसीलिए कहा गया है कि मोमिन बड़े आकल ये मायावी जगत इस मायावी जगत में माया वास्तव में एक तरह से इसको इस तरह समझें कि जैसे हम सो जाते हैं तो सोए में हमें स्वप्न आता है स्वप्न दिखाई पड़ता है तो स्वप्न में क्या दिखाई पड़ता है जो कुछ ही दिखाई पड़ता है साक्षात ऐसा लगता नहीं है स्वप्न में कि यह सपना है हम सोए हुए हमारा कोई शरीर सोया हुआ है और ये जो शरीर है बना हुआ है यह भी स्वप्न का है और जिन लोगों को देख रहे सब स्वप्न के हैं ऐसा स्वप्न में लगता नहीं है जगने के बाद हम कहते हैं कि मैं स्वप्न देख रहा था तो जब हम सोए नहीं रहते तब तो स्वप्न का संसार कहां होता है और जगने के बाद कहां चला जाता है न सोने के पहले होता है न जगने के बाद रहता है सोए में क्या हो गया एक ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि भ्रम का ही स्वप्न का संसार बन गया और ऐसा भ्रम कि हम समझ ही नहीं रहे कि स्वप्न है ये झूठ है असत्य है उसी को सत्य समझ रहे हैं तो इस तरह का यह संसार है अब जब हम स्वप्न में सो जाते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वो नहीं जानता कि हमारा कोई दूसरा शरीर है जो सोया हुआ है तो जितने लोगों को हम देखते हैं वो कोई जान पाता है क्या कि किसी के हम स्वप्न में बने हैं कोई जान पाएगा समझ आ रही बात आप लोगों को नहीं जान पाता इसी तरह से यह मायावी जगत है स्वप्न का संसार है ये चलता रहता है और इस स्वप्न का संसार जो है इस स्वप्न के संसार का कोई भी प्राणी यह नहीं जानता कि हम स्वप्न के हैं कहे भले कह दे लेकिन प्रैक्टिकल में वह यह बात स्वीकार करता नहीं है उसको यह पता नहीं कौन स्वप्न देख रहा है किसके स्वप्न में हम बने हैं और कब तक हम रहेंगे और इस स्वप्न से बाहर है क्या स्वप्न कहां से कहां तक है और जहां से जहां तक स्वप्न है वहां तक स्वप्न नींद टूटने के बाद जो स्वप्न देख रहा है नींद टूटने के बाद खत्म हो जाएगा और उसी को क्या कहते हैं हद वहां तक प्रलय हो जाएगा उसके बाद जो बचता हो बेहद उसके बाद जो स्वप्न दिखाने वाला है जो देख रहा हो नहीं बेहद जो दिखाने वाला है वो बेहद से परे है यहां पर बात आ रही है कि मोमिन बड़े आकल मोमिन कौन है ये स्वप्न के ब्रह्मांड में तीन प्रकार की समझ वाली आत्माएं हैं जिसको एक को जीव सृष्टि कह दिया गया है दूसरे को ईश्वरीय सृष्टि कह दिया गया है और तीसरे को ब्रह्म सृष्टि कह दिया गया है तो जो ब्रह्म सृष्टि कही गई है उन्हीं को अरबी भाषा में मोमिन कहा गया है ब्रह्मात्मा कहा गया है श्रेष्ठ बुद्धि रखने वाली आत्माएं सर्वोपरि ज्ञान रखने वाली परमानंद को समझने वाली परमानंद स्वरूप परमात्मा के स्वरूप को समझ करके हमेशा हमेशा के लिए समस्त कर्मबंधनों से मुक्त हो जाने वाली आत्मा है। इनके लिए कहा गया मोमिन बड़े अकल कलाम पाक के अंदर पवित्र वचन जिसको कहा जाता है उसके अंदर कहा गया कि मोमिन जो होंगे वो बड़े ही बुद्धिमान होंगे बड़े श्रेष्ठ बुद्धि वाले होंगे अर्थात संसार के जो मनीषीगण हैं चिंतक हैं साधक हैं ऋषि हैं उनकी जो अकल है बुद्धि है वो हद से बाहर नहीं जाती हद के बाहर का ज्ञान कहेंगे लेकिन प्रैक्टिकल में कभी उतर पाएंगे नहीं कहने को तो कहेंगे बाहर की बातें हद कहेंगे बेहद कहेंगे बेहद से परे कहेंगे अक्षर कहेंगे अक्षर कहेंगे अक्षर से परे कहेंगे अक्षरातीत के सब कुछ कहेंगे लेकिन उनकी समझ स्वप्न की होने के कारण मायावी होने के कारण हद से पार कहां पर बेहद है बेहद से परे कहाँ पर अखंड धाम है अक्षर है अक्षरातीत है उसके स्वरूप का निर्धारण कर पाएंगे नहीं एक कौन निर्धारण करेगा कौन निश्चित करेगा कौन अलग अलग इसको रखेगा जैसे कहा जाता है कि एक हंस होता है पक्षियों में और एक बगुला होता है बगुला का और हंस का कलर एक जैसे होता है और एक परमहंस भी होता है तो हंस क्या बगुला क्या करता है क्या खाता है खान पान से पहचान में आ जाता है वह दूध नहीं पीता मोती नहीं खा सकता उसका खान पान क्या है कीड़ा मकोड़ा इत्यादि और हंस कीड़े मकोड़े नहीं खाते दूध पीते हैं मोती चूंकते हैं मोती को हजम करने की क्षमता उनके अंदर है लेकिन जो परम हंस होते हैं वो क्या करते हैं वो भी दूध खाते हैं मोती चुंखते हैं लेकिन हंसों के अंदर दूध खाने की क्षमता तो है लेकिन दूध और पानी को अलग करने की क्षमता नहीं है नहीं समझ आई बात दूध खाना खाने का मतलब क्या उनके ओट में इतना खटास होता है कि जैसे ही दूध को अपने मुख में लेंगे पानी नीचे गिर जाएगा दूध में पानी होता है ना और जो दूध बचेगा जिसको पनीर कहते हैं पनीर बन जाएगा तुरंत और उसको निकल जाएंगे अगर कहा जाए कोशिश करके वो चाहे कि उस दूध को जो पनीर बना उस पनीर को अलग किसी बर्तन में रख देते हैं असंभव नहीं है एक कला परमहंसों के पास है परमहंस उस पनीर को खा सकते हैं उस पनीर को अलग रख सकते हैं लेकिन हंस यह कर, नहीं कर सकते इसी प्रकार से ये जो मायावी जगत है यह संसार है इसमें बड़ी बुद्धि वाले किसको कहा गया है मोमिनों को ब्रह्मात्माओं को उन्हीं को परमहंस कहा गया है उनके पास अपने प्रीतम परमात्मा का यह दिव्य ज्ञान होगा जिसे निजी बुद्धि का ज्ञान कहते हैं अपनी बुद्धि कहा जाता है परमधाम की बुद्धि राजी की बुद्धि परमात्मा की बुद्धि जागृत बुद्धि उस निज बुद्धि की प्रधानता होने के कारण उनके पास यह समझ होगा कि हद क्या है अर्थात कहां से कहां तक उत्पन्न और लय की क्रिया कार्य चलता है और बचता क्या है और हमारा अपना वास्तविक घर कहाँ है हमारे अपने प्रीतम प्राणनाथ परमात्मा कहाँ है जो सबके मालिक हैं जो सर्वशक्तिमान हैं जो किसी काल में दुखों का अनुभव नहीं करते दुखी नहीं होते अजानता जहां पर अजानता नाम की कोई चीज नहीं है जहां पर दुख नाम की कोई चीज न थी न है न कभी होगी ऐसा वह दिव्य धाम परम धाम अखंड धाम अनंत धाम है कहाँ एक कला यह ज्ञान मोमिनों के पास होगा इसीलिए कहा गया है कि मोमिन बड़े आकल बड़े ही अक्ल वाले होंगे बड़े समझ वाले होंगे इनके पास जो समझ होगा मायावी जगत में और किसी के पास हो सकता नहीं और है कौन न जीव सृष्टियों के पास होगा न ईश्वरी सृष्टियों के पास होगा जो सामान्य है जीव है वो तो केवल खाना पीना जानेंगे बस पेट पालने का धंधा बढ़िया मकान बन जाए हमारा परिवार सही ढंग से सुखी रहे धर्म कर्म भी करेंगे भजन भक्ति भी करेंगे तो इसलिए करेंगे कि हमारा परिवार कैसे जो है सुचारू रूप से चलता रहे कैसे धन आवे ज्यादा से ज्यादा भजन भक्ति में अध्यात्म में डूबेंगे तो कहाँ जाएंगे कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो जाए किसी तरह स्वर्ग मिल जाए या अगले जन्म में जो हम दिए रहेंगे मिलेगा इस तरह की समझ होगी अगला जन्म लेना है अगले जन्म में जब हम यहाँ पर पुण्य किए रहेंगे दान दिए रहेंगे तो अगले जन्म में मिलेगा और ज्यादा उनकी समझ बढ़ी तो कहेंगे कि स्वर्ग में प्राप्त करेंगे यहां पर कुछ किए रहेंगे तो जाएंगे स्वर्ग में वहां बैठ कर खाएंगे और और थोड़ा ज्ञान उनका बढ़ा अध्यात्म प्रवेश किए तो कहेंगे स्वर्ग ठीक नहीं है उससे अच्छा तो वैकुंठ है।, है और रिसर्च किए खोज किए ऋषि बन गए तपस्वी बन गए तो आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि निराकार में जहां शून्य उसमें समाधि लगा लिया जाए जहां दुख नहीं है सुख नहीं है कुछ है ही नहीं वहां पर चल दिया जाए ये अकल स्वप्न की बुद्धि नारायण की बुद्धि मायावी बुद्धि की है जीव सृष्टियों की बुद्धि की है और जागृत बुद्धि का ज्ञान ईश्वरी सृष्टियों में प्रधान होगा जागृत बुद्धि की ज्ञान की प्रधानता ईश्वरी सृष्टियों में होगी और वो उस बुद्धि के द्वारा क्या कहेंगे कि सब तो प्रलय हो जाएगा स्वर्ग वैगुण तो रहेगा नहीं स्वर्ग तो बैकुंठ तक की निराकार तक की हम भक्ति करेंगे तो हमारा आवागमन समाप्त होने वाला नहीं है फिर हमें क्या करना चाहिए हमें परमात्मा को जानना चाहिए परमात्मा शब्द भी कहेंगे और मानेंगे जानेंगे लेकिन किसको विष्णु भगवान को शंकर जी को ब्रह्मा जी को निराकार को साकार को इसी में उलझे रहेंगे ईश्वरी सृष्टि आगे बढ़ेंगे बेहद पार वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास जागृत बुद्धि की प्रधानता होगी निज बुद्धि की प्रधानता नहीं होगी निज बुद्धि होगी ऐसी बात नहीं कि निज बुद्धि नहीं होगी जीव सृष्टि हो चाहे ईश्वरी सृष्टि हो चाहे ब्रह्म सृष्टि हो ये ब्रह्मबाड़ी आ गई है राज्य अपना दिव्य ज्ञान लेकर आ गए हैं अविश्व रूप से सबको मिलेगा जैसे सूरज निकला हुआ है तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए है क्या वो तो सबके लिए निकला हुआ है लेकिन धूप कौन सहन कर पाएगा जिसके पास ज्यादा क्षमता होगी वो ज्यादा धूप सहन कर पाएगा जिसके पास उससे कम क्षमता कम सहन कर पाएगा और जिसके पास और कम होगी और कम सहन कर पाएगा सबके सब तो नहीं सहन कर पाएंगे ना अब उल्लू को कहा जाए इस समय घूमो फिरो, तो घूमेगा क्यों नहीं इसलिए उसकी आंखें काम नहीं करेंगी बड़ा तेज आंखों पर लगता है सूरज की रोशनी उजाला होते ही खोंग में चला जाता है इसी तरह से ब्रह्म वाणी का जो ताप है तेज है ये जीव सृष्टियों को सहन होगा नहीं किसी तरह से अगर बाहर उल्लू निकल आया तुरंत अपना बिल ढूंढेगा कहाँ पहुंचा कैसे अपने घर में जाए अंधेरे में प्रवेश करें इसी तरह से किसी तरह से जो सामान्य जीव है तपस्वी जीव नहीं सामान्य जीव है अगर संगत सोबत से तारतम के नजदीक आ गया ले भी लिया तो अपना निराकार के खोज में ही लगा रहेगा अर्थात आग पानी पत्थर की ही पूजा पाठ चलता रहेगा संसारी सुखों को ही कामना करता रहेगा लेकिन ईश्वरी सृष्टि इन सुखों से संतुष्ट नहीं होंगे और बेहद को कभी पार कर सकेंगे नहीं और ब्रह्म सृष्टि किसी भी स्थिति में अपने मूल को छोड़ सकते नहीं जब तक भूली है जब तक भूली है याद नहीं है तब तक तो कोई बात नहीं है लेकिन जैसे ही याद आएगा वैसे ही अपने आप को अपने मूल को अपने धनी को समझ जाएंगे और पीछे नहीं देखेंगे। टूक टूक हो जाएंगे, लेकिन अपने धनी के चरण शरण को छोड़ सकती नहीं इसीलिए उनको बड़ा आकलमंद कहा गया है बुद्धि वाली कहा गया श्रेष्ठ बुद्धि वाली ये ब्रह्म आत्माएं हैं मोमिन बड़े आकल कहे आखिर जमाने के ए मोमिन अकलमंद कौन है आखिरी जमाने के हैं अर्थात अभी आप लोगों ने चर्चा में सुना एक बंजी के नाम मुकार से कि तीन बार हम आए ब्रिज में आए रास में आए ब्रिज से रास में गए रास से फिर परमधाम होते हुए यहाँ आए हैं जागनी के ब्रह्मांड में तो अब ये जो ब्रह्मांड बना हुआ है तीसरी बार हम यहाँ आ गए हैं और चौथी बार कौन ब्रह्मांड में जाना है कोई बताएगा चौथी बार आना है नहीं चौथे ब्रह्मांड में क्यों नहीं आना है भाई एक बार आए फिर दूसरे ब्रह्मांड में गए योग माया के ब्रह्मांड में फिर जागनिक ब्रह्मांड में आए हैं अब क्यों नहीं आएंगे आना चाहिए फिर से लेकिन नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे इसलिए बड़े आकल के हैं बड़े बुद्धिमान हैं ये आखिरी है अब इसके बाद कोई ब्रह्मांड ब्रह्मात्माओं के लिए बनने वाला नहीं है इसमें अपने प्रीतम की पूर्ण पहचान हो जानी है पूर्ण समर्पण होना है असत्य क्या है जड़ क्या है दुख क्या है इसका पूर्ण ज्ञान हो जाना है प्रैक्टिकली अपने प्रीतम प्राणनाथ कौन है किस कारण से हम इस मायावी जगत में आए हैं और कैसे हम अपने घर वापस जाएंगे और दोबारा हम क्यों नहीं आएंगे ये सारा अकल इनके पास होगा इस बाणी से इनको प्राप्त हो जाएगा और राज्य ने कह दिया कि जो तू लागे दुख से अर्थात के सुखों को मायावी की सुख है क्या दुखमई है सुख नहीं है केवल भ्रम मात्र है भ्रम बस हम मायावी सुखों को सुख समझते हैं सुख है, है ही नहीं इसने कह दिया कि तू लागे दुख से क्या है दुखमयी संसार है हर एक वस्तु दुखमयी है तो जो तू लागे दुख से तो दुख तुमसे लागसी दुख लगेगा अर्थात तो दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी छुटकारा नहीं मिलने वाला और तू लागे निज सुख याद करे जो निज सुख तो दुख तुमसे भागसी निज माने अपने अपने सुख को पहले मैं कौन हूं कौन हूं मैं आत्मा ब्रह्मात्मा ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मंस कहने के लिए नहीं अपने अंदर भाव आना चाहिए प्रैक्टिकल में उतरना चाहिए हमारे प्रीतम हैं कौन है प्राणनाथ हैं पूर्ण ब्रह्म है सच्चिदानंद घन स्वरूप है सर्वशक्तिमान है जिसका पति सर्वशक्तिमान हो वो पत्नी अपने पति को छोड़कर के और किसी के पास भटकेगी क्या <coughs> किसी और के पास जाती है तो पीछनी है कुछ आवश्यकताएं होंगी पूरी करने के लिए लेकिन उसके पति के पास उस आवश्यकताओं की तो पूरी पूर्ति करने की क्षमता है तो अपने पति को छोड़कर कहीं जाएगी फिर भी अगर कही जाती है तो कैसी पत्नी कही जाएगी इसका मतलब अपने पति पर उसको भरोसा नहीं है और ऐसी पत्नी कभी भी अपने पति का पूर्ण सुख प्राप्त कर सकती नहीं वो भटकते ही रहेंगे अर्थात तो अपने पति की पत्नी है ही नहीं अर्थात इस बाणी के माध्यम से जाने तो वह हाँ परमधाम की आत्मा नहीं कही जाएगी परमधाम की आत्मा वो है जो अपने प्रीतम प्राणनाथ को पहचान कर ली जब तक भूली थी तब तक तो कोई बात नहीं जब पहचान हो गया फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय ये है बड़े अकल वाली आखिरी जमाने के हैं अर्थात इसके बाद अब ब्रह्मांड बनने वाला नहीं है ऐसी बात नहीं है ऐसा ब्रह्मांड बहुत है इसके अलावा और बनता रहेगा इसके पहले भी बहुत बन चुका लेकिन हम मोमिनों के लिए परमात्माओं के लिए नहीं बनेगा समझ आ गई बात हम आत्माओं के लिए नहीं बनेगा तो मोमिन बड़े आकल कहे आखिर जमाने के क्योंकि आखिरी आखिरी समय चल रहा है इनकी समझ लेसी सबे ये जो परमात्माएं हैं इनकी समझ सब लेंगे सब कौन ईश्वरी सृष्टि है जीव सृष्टि है लेसी सबे आसमान जिमी के जे आसमान में रहने वाले अंतरिक्ष में रहने वाले देवी देवता भगवान विष्णु शंकर ब्रह्मा और जमीन पर रहने वाले ऋषि मुनि ज्ञानी गुनी तीर्थंकर तीर्थं देवताम्बर सिंह साधक इत्यादि ये सब इनकी अकल लेंगे और इन्हीं अकल से इसी बुद्धि से अर्थात इस वाणी की कृपा से इनके इनकी नियमी आई है आई हुई है और इनके ज्ञान के द्वारा सारी सृष्टि सबके सब अखंड आनंद को प्राप्त करेंगे समय हमारा पूरा होता है ज्यादा कुछ ना कहते हुए अब यहीं पर बड़ी चौपाई दोहराएंगे समझदार के लिए इशारा बहुत होता है और ना समझ के लिए चाहे कितना हो बोलते रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है बस सब दोहराते हैं। आसमान जिमी के आसमान जिमी के मोमिन बड़े आकल मोमिन बड़े आकल कहे आखिर जमाने के आखिर जमाने के इनकी समझ ले सी सबे इनकी समझ ले सी आसमान जिमी के जे आसमान जिमी के जे बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्राण